कमलनाथ के शिवराज सरकार में महिला बाल विकास मंत्री और डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर की गई टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ के जवाब के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। राहुल गांधी और कमलनाथ के रिएक्शन के बाद अब कांग्रेस में अंतर्कलह और फूट को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसे बीजेपी जोरों शोरों से भुनाने में जुटी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ जी जिस तरह से लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा कर रहे हैं, इससे अब उनकी विदाई तय मानिए। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व के लिए नई जंग छिड़ने वाली है। कांग्रेस का सूर्य अब अस्ताचल की ओर है। अब तो दिग्विजय सिंह जी भी इशारों इशारों में कमलनाथ को विदाई का संकेत देने लगे हैं, लेकिन अभी कमलनाथ जी समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को वो भी समझ जाएंगे। नरोत्तम यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक बुजुर्ग और दूसरे प्रौढ़ लोग हैं, जिसमें राहुल गांधी कमलनाथ शामिल हैं। कमलनाथ राहुल गांधी को लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं, शायद उम्र हावी हो रही है इसलिए ये हो रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। पहला कर्ज माफी का कहा, लेकिन कर्ज माफी नहीं किया। दूसरा, लोकसभा में कमलनाथ सिर्फ नकुलनाथ को जिताने में लगे रहे। तीसरा, कमलनाथ ने वचन पत्र से राहुल की तस्वीर ही हटा दी। और अब चौथी बार ये हुआ है कि उनके बयान पर भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। आगे कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, उपचुनाव खत्म होते ही कमलनाथ का दिल्ली जाना तय है। परिणाम जो भी हो, कुछ दिनों में कांग्रेस की खेमेबाजी दिखने वाली है। कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में ही लगे रहे, आप सबको भी ध्यान होगा। फिर अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उससे राहुल बाबा को आउट कर दिया कमलनाथ जी ने। ये चौथा वाक्या है जब राहुल जी ने उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगू। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है, देखने वाली है। मैं फिर आपको जैसे 4 तारीख दोहरा रहा हूँ, फिर वो दोहराने वाला हूँ। सर, बूथ सम्मेलन आज दिया जाए सर, क्या असम की तरफ जैसे हुआ था वैसे ही नहीं? असम की तरह की सूचनाएं अगर आएंगी तो उस पर विचार होगा। उसी पे कहा है मैंने, मैंने उसी पे कहा। देखिए, ये जो बयान कांग्रेस दे रही है ना, आप इसको समझने की कोशिश करें मित्र। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि कमलनाथ की असफलताएं छुपी रहें, इसलिए कभी तांत्रिक कहते हैं वो, कभी वर्मा जी रावण कहते हैं कि रावण दिखाई देंगे दशहरे के दिन, कभी उनका एक व्यक्ति आता है और हमारे मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहता है, कभी कमलनाथ जी खुद आ जाते हैं और आइटम बता देते हैं। ये सब इस तरह की बातें इसकी है कि कोई 15 महीने का हिसाब नहीं मांग ले कमलनाथ से कि तुम विकास पर वोट क्यों नहीं मांग रहे, अपना 15 महीने के कार्यकाल को कमलनाथ जी क्यों नहीं बता रहे जनता को। यही उनके मंत्री कर रहे थे जो पूर्व मंत्री हैं। मुक्तेश्वर, घोटेश्वर, ये जितने नाम है ना, ये सब सन्यास वाले नाम हैं, संतों के नाम। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि अब ये सन्यास की ओर 4 तारीख से, दिग्विजय सिंह ने भी वही संकेत दिया है आपको, ऋण मुक्तेश्वर मत सोचो। फिर मैं दोहराऊंगा, एक रोज दोहराता हूँ कि एक कर्जा एक जने का माफ नहीं किया और वो ऋण मुक्तेश्वर कह रहे हैं। ये मुक्तेश्वर का जो लगा रहे हैं ना, वो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, वो जानते हैं कि अब कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे। उनको चूंकि बेटे की जल्दी है जयवर्धन की, तो वो संकेत दे रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं समझेंगे, 4 को समझेंगे। सर, इंदौर से